हुजूर, मैंने पूछना था कि नमाज़े कसर किस सूरत में हो सकती है और कितने दिन तक हम लगातार पढ़ सकते हैं? नमाज़े कसर, आप सफ़र पे हैं अगर, तो नमाज़े कसर करेंगे। मैं सफ़र पे हूँ, मैं कसर कर रहा हूँ, जी ठीक है। और अमूमन 14 दिन तक, 15 दिन तक आप कसर कर सकते हैं, जी सर ठीक है। लेकिन अगर आपको मुद्दत पता नहीं है और 4 दिन के लिए आपका सफ़र है, फिर आप काम की वजह से 4 दिन और ठहर गए, आप कसर करते जा रहे हैं, तो कर सकते हैं। हज़रत मुसीम अलैहिस्सलाम के साथ एक वाक़या इस तरह पेश हुआ कि इस तरह चंद दिन के लिए सफ़र था, नमाज कसर फरमाते रहे आप, और वो मुद्दत जो है तकरीबन 2 महीने तक तवील हो गई, और आपने तो कसर की नमाज, ठीक है। तो ये तो इस बुनियाद पे है कि आपके सफ़र है, सफ़र समझते हैं, उसकी नीयत से निकले हैं, तो कसर करें, ठीक है। और ये नहीं है कि जानबूझ के बिला वजह सस करते हैं कि 14 दिन या 15 दिन का सफ़र होता है। मैं एहतियात करता हूँ, 14 दिन के बाद अगर 14 दिन का हो तो मैं सफ़र कसर नहीं करता।